हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी में। आज हम 8.4 प्रश्नवली का प्रश्न क्रमांक 5 का पहला त्रिकोणमिति का परिचय से सवाल देखते हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद हमारा प्रश्न है, यहाँ सिद्ध करो कि कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का वर्ग बराबर 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें ज्ञात है कॉसेक थीटा ऋण कॉट थीटा का वर्ग। अब यदि हम कॉसेक थीटा को 1/ साइन थीटा लिख दें और कॉट थीटा बराबर चूंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, हम यहाँ पे वर्ग लगा दें, फिर यहाँ हम इसमें इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ आता है साइन थीटा, और चूंकि यहाँ पे एलसीएम दोनों के इक्वल हैं इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा जा सकता है 1 ऋण कॉस थीटा और इसका वर्ग। अब हम प्रत्येक का वर्ग लगा दें तो कहने का तात्पर्य है कि 1 ऋण कॉस थीटा का वर्ग बटे साइन थीटा का वर्ग। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको इस तरीके से हम दो बार लिख दें 1 ऋण कॉस थीटा इंटू 1 ऋण कॉस थीटा। अब चूंकि यहाँ साइन थीटा अर्थात साइन स्क्वायर थीटा भी इसे लिखा जा सकता था, इसलिए इसका सूत्र हम सीधे सीधे लिख दें 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसमी का हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस सर्वसमीका से हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसको हम a का वर्ग ऋण b के वर्ग के सूत्र के आधार पर इसे हम लिख सकते हैं। a धन b अर्थात 1 धन कॉस थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं a ऋण b अर्थात 1 ऋण कॉस थीटा। तो इस प्रकार से इसको हमने यहाँ देखा कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पे शेष बचेगा 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त होता है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए तथा मेरे चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।